हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्ट लाइफ एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम दिलसाद और आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं इस मैच में अपनी ग्रांड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम या तो हेड टू टीम बनाने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज में आ चुके हैं, क्योंकि इस मैच से जो है रिलेटेड आपको इस वीडियो में हेडक्वार्ट्स, प्लेयर रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, रिसेंट परफॉर्मेंस, फाइव ग्रांड लीग की टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला है। एंड दोस्तों, अगर आप बहुत सारे मैच खेल चुके हैं बट आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो ये वीडियोस आप देख लीजिए। 110% मैं कह रहा हूँ, आपको फिलहाल विनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। एंड साथ साथ दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना वो भी मैं बताऊंगा गाइस। देखिए, फाइव ग्रांड लीग टीम आपको मिलने वाली, इनका प्रूफ पहले दूंगा दोस्तों, एक्सप्लेन करूंगा एंड बाद में दोस्तों आपको ये टीम डायरेक्टली मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। बात करेंगे सबसे पहले मैच स्टार्ट कब होगा। ये मैच जो कि फिलहाल 22 मार्च इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 दोपहर में खेला जाएगा। टीम न्यूज आपको पता है गाइस, दो ओडीआई मैच हो चुके हैं जिसमें कि एक मैच इंडिया ने विन करा है और एक ऑस्ट्रेलिया ने। आपको क्या लग रहा है गाइस, यहां पे फाइनल जो है तीसरा ओडीआई मैच कौन सी टीम विन करने वाली, तो कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताएं। हेड क्वार्टर्स की बात करें तो गाइस, दोनों टीम के बीच में लास्ट ईयर्स के जो ओडीआई मैच खेले गए 5, जिसमें कि इंडिया टीम ने 2 बार विन किया है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने दोस्तों 3 बार विन किया है। गाइस, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और वहां पे टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम पाना चाहते हैं और जो लॉस हुआ गाइस आपका बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके, तो यार उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, स्टेप 1 है जो कि जिस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, उसके आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ओपन होता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। एंड गाइस, यहाँ पे फिर से अगर मोर का ऑप्शन आता है तो फिर से आपको मोर पे क्लिक करके ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन माई रियल टेलीग्राम चैनल। वैसे आपको इन लिंक में जो दिख रहा है दोस्तों, इस पर किसी पर भी क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, पोस्ट वगैरह दिखेगी, तो दोस्तों आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यही लिंक से आपको करना है। अदरवाइज आप सर्च करते हैं गाइस मेरा नाम, तो फिलहाल आपको जो है फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल के प्रोफाइल में जाकर के गाइस ये वाला जो कि लिंक आपको जरूर देखना है। अगर यहाँ पे क्लिक करने बाद दोस्तों जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं ये ओपन होता है, तो समझ लीजिए मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है। अदरवाइज अगर आप फेक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है मेरे नाम से, तो अभी के अभी अनफॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिलती है। गाइस, ये मैच तो फिलहाल चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है। पिच किस प्रकार से हो सकती है, पिच देखिए बैलेंसड रहेगी और यहाँ पे पेसर के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है। फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 230 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों पिच जो की रहेगी बैलेंसड रहेगी। 20 इनिंग स्कोर की बात करते हैं, 210 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट 5 ईयर्स में देखिए 5 साल के मैचेस अगर हम कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है 11 मैच खेले गए, जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग करेंगे उसने 7 विन करें और जो चेस करने वाली टीम ने 4 विन किए गए। हाईएस्ट स्कोर जो कि इस ग्राउंड का रहा 337 का। एंड अगर बात करते हैं लोवेस्ट इस ग्राउंड का जो कि था, साउथ अफ्रीका टीम ने बनाया था 165 दोस्तों, 10 विकेट गवा दी 47 ओवर में। तो समझ सकते हैं गाइस यहां पे एडवांटेज जो कि किस प्रकार से बॉलर्स को रहने वाला है। एंड जो कि यहां पे हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ गाइस, इंडिया ने यहां पे 287 रन बनाए थे एंड दोस्तों उसके साथ साथ 50 ओवर में 8 विकेट गवा थे, जिसमें कि वेस्ट इंडीज टीम ने दोस्तों यहां पे चेस कर लिया था, 291 रन बना लिए थे, 47 ओवर में ही मैच को विन कर लिया था। और दोस्तों ये जो ओडीआई का था लास्ट मैच था इस ग्राउंड का। एंड फर्स्ट इनिंग स्कोर देखिए यहां पे दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो ये वाले मैच का किस हिसाब से बॉलर्स को हेल्प मिली थी, पेसर को दोस्तों यहां पे 7 विकेट मिली थी और दोस्तों 20 में बात करते हैं गाइस, यहां पे पेसर को 2 विकेट मिली थी और दोनों तरफ से दोस्तों स्पिनर को कोई हेल्प नहीं मिली थी, तो एडवांटेज तो यार पेसर के पास ही रहने वाला है। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिच किस प्रकार से जो कि है, यहां पे बाउंस देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा, देखिए अगर हम टोटल मैच यहाँ पे कवर करते हैं तो यहाँ पे पेसर के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बट लास्ट के कुछ मैचेस देखते हैं तो यहाँ पे फिलहाल जो है मतलब जो पिच है दोस्तों स्पिनर के लिए काफी अच्छी हेल्प दे रही है। और 11 ODI मैच दोस्तों देखते हैं तो वहां पर तो खास करके यहाँ पे देख सकते हैं कि 300+ तो स्कोर बना ही नहीं है, तो दोस्तों कह सकते हैं पिच बैलेंसड रहेगी। बाकी आप लोग जो है टॉस के बाद जो कि आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे दोस्तों पिच रिपोर्ट से रिलेटेड भी आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग के बारे में और किस बैट्समैन किस बॉलर्स को हमें फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में रखना है, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, जो रिसेंट थे दोस्तों वही रहने वाली, अगर कोई चेंजमेंट होता है तो फिलहाल बेंच प्लेयर भी आपको शो करूंगा एंड टेलीग्राम चैनल तो आप लोग ज्वाइन कर ही लिए होंगे। देखिए दोस्तों, जो कि इंडिया टीम के ओपनर है रोहित शर्मा शुभमन गिल, तो यार दोनों में किसको हम रखेंगे, रोहित शर्मा की बात करते हैं गाइस, रिसेंट जो है 1 मैच उन्होंने खेला है जिसमें कि 13 रन है और रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस तो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे देखिए 101 रन, 120, 31 टेस्ट में मतलब कुछ खास नजर नहीं है, बट हेड क्वार्स की बात करते हैं गाइस, टोटल ओडीआई के उन्होंने 41 मैच खेले हैं जिसमें कि 54 करोड़ से बैटिंग करते हैं और ग्राउंड दोस्तों 6 मैच में 22 करोड़ से बैटिंग करते हैं, फर्स्ट में 48 करोड़ से बैटिंग करते हैं और सेकंड में दोस्तों 48 करोड़ से बैटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है, समझ गए आपको लग रहा है कि इंडिया टीम विन करेगी मैच, तो फिलहाल
इनको आप जरूर ट्राई करिए। दोनों तरफ से आपको यहाँ पे एडवांटेज ये दे सकते हैं, मतलब ड्रीम टीम दोस्तों ये जरूर रहने वाले हैं, तो इनको हम पिक जरूर करेंगे एक टीम में। शुभमन गिल की बात करते हैं, इस राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म देखिए अगर हम देखते हैं टेस्ट में जो कि शतक लगा के आ रहे हैं, एंड आपको पता ओडीआई मैच बहुत ही अच्छी फॉर्म थी इनकी, बट अभी दो मैच जो खेले इन्होंने तो फर्स्ट टीम में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 20 रन, उसके बाद यहाँ पे सेकंड टीम में दोस्तों 0 रन, तो मतलब कहीं ना कहीं यार फर्स्ट इनिंग का बेस्ट है, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं तो 46 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 86 के ओवर से ट्रेंडिंग में बात करते हैं 49 के ओवर से बैटिंग करते हैं, तो यार आपको कहाँ रखना है फर्स्ट इनिंग में, अगर ये आते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी आप कर सकते हैं दोस्तों। एंड बात करेंगे वन डाउन बैट्समैन विराट कोहली, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट ये भी दो मैच खेल चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहले मैच में जो कि 4, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 31, एंड अगर हम बात करें हेड कॉर्ड तो 47 के ओवर से बैटिंग करते हैं, इस ग्राउंड पे टोटल 8 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 42 के ओवर से बैटिंग करते हैं, फर्स्ट इनिंग दोस्तों ये 50 के ओवर से बैटिंग करते हैं, और चेसिंग दोस्तों यहाँ पे 64 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। एंड दोस्तों आपने जो रिसेंट देखा है फर्स्ट इनिंग में ये फ्लॉप थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद चेस करना पड़ गया, तो यहाँ पे देखिए 31 स्कोर आया, और यहाँ पे दोस्तों इनका सेकंड इनिंग बढ़िया है, तो आप समझ सकते हैं कब पिक करना है। बाकी 5 टीम तो मैं आपको शो करूंगा ही, एंड जल्दी जल्दी उसको प्लेयर के स्टेट्स हम देख लें। दोस्तों बात करते हैं केएल राहुल की, राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, रिसेंट दो मैच इन्होंने भी खेले, क्योंकि रिसेंट फॉर्म अगर हम देखते हैं तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं 39-64 नॉट आउट, फिर उसके बाद 7, फिर 20, फिर यहाँ पे टेस्ट में फ्लॉप थे, एंड यहाँ पे दोस्तों 75 वो भी नॉट आउट रहे, लास्ट वाला मैच दोस्तों ये फ्लॉप गए। हेड कॉर्स के 10 मैच में जिसमें कि 40 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वेने पे एक मैच में 6 रन बनाए, एंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इनिंग तो 51 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ट्रेंडिंग दोस्तों 36 करोड़ से बैटिंग करते हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, एंड रिसेंट दो मैच में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इनका खाता तक नहीं खुला है, यहाँ पर समझ सकते हैं, और हेड कॉर्स के दो ही मैच दोस्तों ओडीआई के हैं जिसमें कि पूरी तरीके से फ्लॉप है। बट यार रिस्क अगर आपको लेना पसंद है तो मैं इनको जरूर टीम में रखूंगा, तो 5 टीम जो रहेंगी वो मैं आपको शो कराऊंगा, बाकी प्लेयर स्टेट्स आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट इनिंग दोस्तों 22 करोड़ से बैटिंग करते हैं, चेसिंग अगर करना पड़ गया यहाँ पे 41 के ओवर से बैटिंग करते हैं, ठीक है। हार्दिक पंड्या की बात कर लेते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, रिसेंट फॉर्म देखते तो गाइस कंसिस्टेंट है, मतलब विकेट भी मिल रही है और दोस्तों ये रन भी बना रहे हैं, यहां पे देखिए 2 विकेट, फिर यहां पे 54 प्लस 1 विकेट, 21 रन प्लस 0 विकेट, यहां पे 15 रन नॉट आउट, उसके बाद 1 विकेट, फिर यहां पे 30 रन प्लस 4 विकेट, फिर यहां पे 25 रन, 1 विकेट दोस्तों जो कि फर्स्ट ओडीआई मैच था, एंड लास्ट वाले मैच में दोस्तों इनको जो है स्पेल भी मिले थे, बट यहां पे विकेट नहीं मिली और 1 ही रन दोस्तों इन्होंने बनाया था। हेड कॉर्ड्स के टोटल 11 मैच खेले हैं जिसमें कि 34 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 9 इनिंग में 8 विकेट निकाले, बट गाइस ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, देखिए यहां पे 1 मैच में 83 रन भी बना रहे हैं और 1 इनिंग में दोस्तों 2 विकेट भी ये निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इनको कहां पे ट्राई करना है। फर्स्ट इनिंग दोस्तों 28 करोड़ से बैटिंग करते हैं और फर्स्ट इनिंग में 38 इनिंग में दोस्तों 38 विकेट है, सेम इनिंग दोस्तों अगर हम बात करते हैं 28 में 30 विकेट है, तो दोनों तरफ से कंसिस्टेंट ये रहने वाले। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट लेग स्पिन बॉलर है, रिसेंट फॉर्म तो अच्छा है बट लास्ट मैच दोस्तों ये फ्लॉप है, देखिए रिसेंट तो सभी मैचेस में रन भी बना रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, जैसे कि आपने पहले मैच देखा 45 रन वो भी नॉट आउट एंड दोस्तों 2 विकेट भी मिलती, बट ये स्पिनर है इनको कुछ खास हेल्प नहीं मिली बट विकेट मिलने के चांसेस रहने वाले हैं। देखिए हेड कॉर्ड्स के 28 मैच हैं जिसमें कि 23 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 36 इनिंग में दोस्तों 30 विकेट हैं, इस ग्राउंड पर अगर हम बात करते हैं 1 मैच में 21 रन भी इन्होंने बनाए और 2 इनिंग में दोस्तों 3 विकेट भी लिए, तो यार इनको भी हम ट्राई करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन जो कि हार्दिक पंड्या के साथ। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं, 35 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 101 इनिंग में 108 विकेट हैं, ट्रेंडिंग बात करते हैं जब चेस करते हैं बैटिंग के लिए, फिलहाल 30 करोड़ से बैटिंग करते हैं तो ठीक ही है, एंड बॉलिंग की बात करते हैं सेकंड में 65 इनिंग में 81 विकेट, तो दोनों तरफ से कंसिस्टेंट है और स्पेस वाले प्लेयर रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों इनको मिल जाती है, बट रिसेंट जो कि स्पिल का इनको नहीं मिला था। अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, रिसेंट फॉर्म बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास तो रहे नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब लास्ट वाले मैच थोड़ा सा कंसिस्टेंट देखने को मिले और स्पेल भी दोस्तों इनको जो है नहीं मिला था। हिट कॉर्ड्स की बात करते हैं, 5 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 17 के ओवर से बैटिंग करते हैं और 4 इनिंग में दोस्तों बॉलिंग करें जिसमें 4 विकेट, तो चांसेस इनके रहेंगे और ग्राउंड पे भी देख रहे हैं 1 मैच में दोस्तों 4 रन है और 1 इनिंग में इनको 1 विकेट मिली हुई है। फर्स्ट इनिंग बात करेंगे यहाँ पे 10 के ओवर से बैटिंग करते हैं और 24 इनिंग में 29 विकेट है, ट्रेंडिंग में बात करते हैं 35 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पे 21 इनिंग में 27 विकेट यहाँ पे जब सेकंड इनिंग बॉलिंग कराते हैं, तो ये भी प्लेयर्स हमें जहाँ तक रहेगा कि हम 5 टीम बनाएंगे तो 1-2 ही टीम में ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज सभी टीम में हम जो लेकर किंग को जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है जो कि टेस्ट मैचेस अगर आप देख रहे हैं, बट जो हमने ओडीआई के मैच कवर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है और ये पेसर के लिए एडवांटेज वाली पिच रहेगी दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। हेड कॉर्ड्स के 3 मैच में दोस्तों इनको 1 ही विकेट मिल रही, ग्राउंड पिन का 1 भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग 12 इनिंग में 16 विकेट है, ट्रेंडिंग में बात करते हैं 19-9 में 22 विकेट है, तो कहीं ना कहीं यार कंसिस्टेंट प्लेयर है, टीम में तो लेकर के जाना ही पड़ेगा गाइस, एंड थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे ड्रॉप करने का भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 5 टीम जो कि आपको पूरे तरीके वाली टीम मिलने वाली, कोई रिस्की टीम रहेगी, कोई सेफ रहने वाली है और दोस्तों कहीं ना कहीं हम फ्लॉप प्लेयर को भी ट्राई करेंगे ग्रांडी की टीम में दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कुलदीप यादव की, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, रिसेंट फॉर्म देखिए कंसिस्टेंट तो है ये, यहाँ पे देखिए
एक विकेट, फिर यहाँ पे तीन विकेट, एक विकेट, एक विकेट, जीरो विकेट, एक, और यहाँ पे फिर जीरो विकेट। स्पिनर के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हेल्प है, बट यार विकेट इनको मिल रही। देखिए हेड क्वार्ट्स के टोटल इन्होंने 19 मैच में 25 विकेट निकाले हैं, इस ग्राउंड पे दो मैच में दो विकेट निकाले हैं, तो यार कंसिस्टेंट तो है ये दोस्तों। हम इनको भी ट्राई करेंगे, बहुत कम सिलेक्शन रहने वाला है। अगर बंदा यहाँ पे विकेट लेता है तो फिर समझ लीजिए आपको वन साइडेड विन होगा। मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर से, रिसेंट अगर आप देखें तो पहले में से तीन विकेट मिल गई थी गाइस, एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कुछ खास नहीं रहे। तो फर्स्ट इनिंग का थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया था, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं गाइस तो हेड क्वार्ट्स तो 19 मैच में फिलहाल जो है इन्होंने बैटिंग करी 8 रन बनाए, और बेस इनिंग में 32 विकेट है, एंड दोस्तों वेनी पे एक मैच पे एक विकेट मिले। तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर है दोस्तों, रिसेंट अगर हमने जो मैच देखा तो वैसा तो फिर हो नहीं सकता, ये भी आपको पता है। और जहां तक मुझे लग रहा है भाई 60% तो मैच जो कि फिलहाल इंडिया ही जीतने वाली है। आपको क्या लग रहा है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। बेंच प्लेयर ईशान किशन, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन कुछ खास नहीं है, टीम में आते हैं गाइस तो फिलहाल मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग जगह इंडिया टीम बैटिंग करती है तो ट्राई करने के लिए सोचेंगे, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हैं। यजुवेन चहल जो कि रिसेंट फॉर्म ये कंसिस्टेंट है, टीम में आता है दोस्तों तो फिर रख सकते हैं, क्योंकि हेड क्वार्ट्स 9 मैच में 16 विकेट है, ग्राउंड पे कुछ खास नहीं है, बट हेड क्वार्ट्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इनको टीम में आप ट्राई जरूर करिएगा। वाइसिंग सुंदर की बात करते हैं, राइट बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर से, रिसेंट दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, स्पिल भी इनको मिलते हैं, टीम में आते हैं तो जहां तक ट्राई करने के लिए सोचेंगे, बट सभी टीम में नहीं गए। उमरान मलिक की बात करते हैं, ये भी रिसेंट दोस्तों बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मैच में अच्छी विकेट है, बट यहाँ पर एक मैच दोस्तों फ्लॉप थे, बाकी सभी मैचेस में इनको विकेट मिली हुई है। टीम में रखेंगे देखेंगे अगर यहाँ टीम में आते हैं प्लेंग में तो फिर दोस्तों रखने लायक प्लस ये रहने वाले हैं। एंड बात करते हैं शार्दुल ठाकुर, जो राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, रिसेंट देखिए बिग कंसिस्टेंट थे, पहले मैच में अच्छी विकेट तो नहीं मिली थी, बट यहाँ पर रिसेंट जो कि थी बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छी विकेट इनको मिल रही है, एंड बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं इनको हम टीम में ट्राई कर सकते हैं। जयदेव नाटकर जो कि कुछ खास नहीं है, एंड टीम में आने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे, तो यार इनको ड्रॉप कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग के बारे में, मिचेल मार्श ट्रेविस हेड ओपन कर रहे हैं। मिचेल मार्श देखिए आपको बता दूं 100% ये सभी की टीम में रहने वाले, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैच में 81 रन, उसके बाद यहाँ पे 66 वो भी नॉट आउट है, एंड रिसेंट फॉर्म भी गजब है, 108 नॉट आउट, उसके बाद यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे 50, फिर 30, तो मतलब ठीक ठाक ही प्लेयर्स है। हेड क्वार्टर्स 8 मैच है इंडिया टीम के अगेंस्ट में, जिसमें 66 करोड़ से बैटिंग करते हैं, एंड वेन्यू में उनका एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग में 35 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग बात करते हैं 26 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट प्लेयर जो कि रिसेंट फॉर्म है ये भी आप देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों उनके रिस्क लेने का भी हम ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सभी लोग लेकर के जाएंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं तो फिलहाल मतलब जो रिसेंट है ठीक है, बट ओवरऑल फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग देखते हैं तो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट ये दोस्तों नहीं है। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर्स हैं, एंड गाइस देख सकते हैं दो मैच इनके जो हैं, पहले मैच में फ्लॉप थे, उसके बाद यहाँ पे चेस करना पड़ गया, 51 प्लस वो भी नॉट आउट रहे हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल देखिए अगर हम बात करें इनका 40% तो सभी लोग इनको अपनी टीम में रखने ही वाले हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर्स 29 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वेन दोस्तों एक भी मैच नहीं, फर्स्ट में 45 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड में 34 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, तो यार ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट इनको भी हम ड्रॉप करना सही समझेंगे, सभी टीम में लेकर के नहीं जाना। स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, हेड क्वार्टर्स के 22 मैच में 62 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड दोस्तों एक मैच है जिसमें फ्लॉप है, तो समझ सकते हैं गाइस फर्स्ट इनिंग में 43 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड में 47 करोड़ से बैटिंग करते हैं। मानस लभुशंकनी की बात करते हैं गाइस, राइट हैंड बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे जो रिसेंट फॉर्म तो कुछ खास इनका रहा नहीं है। हेड क्वार्ट 6 मैच में दोस्तों फिलहाल जो है 35 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वेन्यू पे इनका एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग 39 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग दोस्तों यहाँ पे 23 करोड़ से बैटिंग करते हैं। रिसेंट अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे लास्ट वाले मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली है, एंड दोस्तों फर्स्ट मैच में यहाँ पे 15 रन इन्होंने बनाए थे। कैमरन ग्रीन की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म तो कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, दो मैच दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल रही है, सॉरी बैटिंग तो नहीं मिली, पहले मैच मिली थी, लास्ट वाले में बैटिंग नहीं मिली, बॉलिंग मिली थी जिसमें विकेट नहीं मिली। हेड क्वार्ट्स के 3 मैच में बॉलिंग करें जिसमें 0 विकेट है, और दो मैच में दोस्तों बैटिंग करें जिसमें 26 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट प्लेयर ये भी हो सकता है। टीम दोस्तों सिलेक्शन कर रहा है, मैं आपको शो कराऊंगा। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म आपने देखा, पहले मैच में 2 विकेट इनको मिले हैं, बाकी लास्ट मैच इनको ना ही बैटिंग और ना ही दोस्तों बॉलिंग मिली। हेड क्वार्ट्स 15 मैच में 42 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 15 इनिंग में दोस्तों 12 विकेट है, एंड वेन्यू पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है मार्कस स्टोइनिस, एक मैच में दोस्तों यहाँ 3 रन है और एक मैच में 2 विकेट है। देखिए कहीं ना कहीं स्पेल मिलेंगे तो यार कुछ अच्छा करके देंगे, क्योंकि पेसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इनिंग बात करते हैं, जैसे 21 करोड़ से बैटिंग करते हैं और बेस इनिंग में 14 विकेट है, टर्निंग दोस्तों 42 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 31 इनिंग में 23 विकेट है, कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अगर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे गाइस एलेक्स कैरी, जो कि लेफ्ट बैट्समैन विकेट कीपर है, रिसेंट अगर आप देख रहे हैं तो बैटिंग नहीं मिली है, बट कुछ खास परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दोस्तों ने 65 पिन जो कि इनका रिसेंट फॉर्म हाईस्ट था। हेड क्वार्टर्स 15 मैच में 34 करोड़ से बैटिंग करने गए, तो कहीं ना कहीं इनको भी हम ट्राई करेंगे जब केएल राहुल को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि केएल राहुल सभी के टीम में रहने वाली, ये भी आपको पता होगा। एंड थोड़ा सा हमें जो कि टिप्स एंड ट्रिक यूज ही करना है, रोटेशन तो करना ही प्लेयर का। फर्स्ट इनिंग 30 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ट्रेनिंग 44 करोड़ से बैटिंग करते हैं, एंड उसके बाद मिचेल स्टार्क, जो कि मिचेल स्टार्क क्योंकि सभी की टीम में रहने वाले गाइस, एंड उसके बाद आपको पता है मिचेल स्टार्क को तो सभी लोग ट्राई ही करने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि रख सकते हैं। रिसेंट भी आपने देखा था, मैंने कैप्टन बनाया था, आपको पता होगा 5 विकेट बंदे ने निकाली थी,
एंड लास्ट के कुछ मैचेस में देखते हैं तो फिलहाल सभी मैच में कंसिस्टेंट है, विकेट इनको मिल रही है दोस्तों, हाईएस्ट भी मिल रही है। यहाँ पे लास्ट वाले में देख सकते हैं ओडीआई जो कि उसमें दोस्तों इनको 5 विकेट मिल गई थी। हेडक्वार्टर 15 मैच में 25 विकेट है एंड दोस्तों ग्राउंड पे इनका एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग बहुत ही कंसिस्टेंट 44 में 93 विकेट है एंड ट्रेनिंग में इनिंग में दोस्तों फिलहाल ये ठीक ठाक है, 63 में 118 विकेट है। तो कहीं ना कहीं यार दोनों तरफ से ही ठीक है क्योंकि ओवरऑल भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही दोस्तों, बहुत ही जो कि ट्रंप प्लेयर ये हो सकते हैं और जो कि ट्रंप प्लस ओडीआई के भी हैं दोस्तों, ये आपको पता है क्योंकि जो कि अगर हम देखते हैं नंबर वन ओडीआई पर जो कि मोहम्मद सिराज है बट इनका भी दोस्तों नाम आता है वहाँ पे। एडम जब भी बात करते हैं जो कि फिलहाल ये स्पिन बॉलर्स हैं, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट 2 मैच में लगातार ये फ्लॉप रहे हैं, लास्ट वाले मैच में तो उतना ज़्यादा स्पेल नहीं मिले थे बट अगर हम बात करें हेडक्वार्टर तो 18 मैच में 27 विकेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोस्तों ये रिकॉर्ड भी हमें ट्राई करना पड़ेगा इनका जो कि हेडक्वार्टर है। फर्स्ट इनिंग में 36 में 54 विकेट है, 20 में 40 में 73 विकेट है। सेनी बट की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, रिसेंट फॉर्म तो देखते हैं, पहले मैच में कोई विकेट नहीं, उसके बाद यहाँ पे 3 विकेट है। हेडक्वार्टर 3 मैच में 4 विकेट हो चुके हैं, वेनी बिन का एक भी मैच नहीं। फर्स्ट इनिंग हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंट है और दोस्तों अगर हम बात करें 20 इनिंग की तो फिलहाल वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही, 7 मैच में 8 विकेट है। नथन लिलिस दोस्तों अगर हम बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं, पहले मैच दोस्तों आए 2 विकेट ली और मैंने टीम में भी प्रोवाइड किया, हेडक्वार्टर्स का पहला ही मैच था जिसमें कि रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो यार अच्छी विकेट इनको मिली है। देखिए यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट एंड दोस्तों यहाँ पे फिर 0 विकेट, 0 फिर 2 विकेट, तो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे बट टीम में तो हम इनको ट्राई जरूर करेंगे। बेंच प्लेयर दोस्तों देख लेते, जॉर्ज इंग्लिस जो कि रिसेंट बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है बट यार आपने देखा फर्स्ट मैच चूंकि इन्होंने खेला तो कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं था बट फिर भी ठीक ही था, टीम में आते हैं तो रखने लायक प्लेयर्स ये हो सकते हैं। डेविड वार्नर टीम में आएंगे तो आप रख सकते हैं बट रिसेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉप भी कर सकते हैं बट हेडक्वार्टर्स 52 की ओर से बैटिंग करते हैं ठीक ठाक ही है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि पहला मैच खेल रहे हैं कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, हेडक्वार्टर ठीक है बट आपने देखा बहुत दिनों के बाद ये मैच में आए तो उसे आप दोस्तों टीम में रखने की बात करें प्लेइंग हुई जो कि क्लियर होगी टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा कि इनको ट्राई करना है कि नहीं करना दोस्तों। एस्टन अगर जो कि स्पिनर है बट कुछ खास भी नहीं है, टीम में रखना है तो फिलहाल मैं कहूंगा ड्रॉप कर दीजिए। चलिए मैं 5 टीम आपको दिखा देता हूं, बाकी आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है, प्ले स्टेट्स, विनिंग कॉर्स, हेड कॉर्स सब कुछ दोस्तों। ये मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम मैच को विन कर सकती है तो फिलहाल यहाँ पे मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श का अहम रोल रहने वाला है तो और रिसेंट भी इनका ठीक ठाक है तो इनको हम कैप्टन वाइज का अपना कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। पिलर का सिलेक्शन दोस्तों इस प्रकार से फिर हमारा रहने वाला है जो कि आप देख सकते हैं ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया टीम पहले बैटिंग करती थी तो यहाँ पे ये वाली हमारी टीम रहेगी बट कंफर्म तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करना पड़ेगा। इंडिया जो कि दूसरी टीम रहेगी, यहाँ पे हम सोच रहे हैं इंडिया टीम मैच को विन करेगी तो फिलहाल यहाँ पे मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का बहुत अहम रोल हो सकता है जब मैच को इंडिया टीम विन करेगी दोस्तों, जहाँ पे विकेट गिराएगी तभी दोस्तों यहाँ पे मैच को विन कर सकती है। मिचेल स्टार्क की बात करते हैं यहाँ पे टीम में रहेंगे, ऑलराउंडर यहाँ पे तीनों लेकर के जा सकते हैं बट यहाँ पे अगर आप मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन को ब्रेक करना चाहते हैं दोस्तों फिर आप अक्सर बेल्ट को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेन्यू पे तो उनका बढ़िया परफॉर्मेंस दोस्तों आपने देखा है, स्पिनर के लिए किस हिसाब से दोस्तों कम हेल्प है तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ दोस्तों। एंड जो कि हमारी तीसरी टीम रहेगी, यहाँ पे हम बैलेंसड समझ रहे हैं कि दोनों पे यहाँ पे कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा टक्कर के मैच हो सकता है तो फिलहाल यहाँ पे हम हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा के ऊपर भरोसा करें क्योंकि हार्दिक पंड्या दोस्तों आपने विन रिकॉर्ड दिखा है 1 मैच में 83 रन और फिलहाल 1 मैच में 2 विकेट भी हैं। रविंद्र जडेजा भी ग्राउंड पर बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल को भी ट्राई करेंगे, मिचेल मार्श टीम में रहेंगे, एलेक्स कैरी को दोस्तों यहाँ पर ट्राई करेंगे जो कि हम यहाँ पे केएल राहुल को ड्रॉप करेंगे। बॉलिंग सेशन पर हम नथन लिलिस और मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को ट्राई करने वाले चारों को चारों पेसर ही रहने वाले दोस्तों। इंडिया देखिए तीन टीम मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा सेफ रहने वाले बट आपको कंफर्म टेलीग्राम चैनल पर ही करना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की जो कि कोई नहीं सोच सकता है यार, रिस्क लेना तो बनता है आपको पता है अगर कहीं विन करना है हमें तो यहाँ पे केएल राहुल और कुलदीप यादव पर भरोसा करेंगे डायरेक्टली दोस्तों। यहाँ पे कुलदीप यादव पर हम भरोसा करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिसेंट इनका फॉर्म बढ़िया था, कहीं ना कहीं बैक कर सकते हैं दोस्तों तो ये आप थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं दोस्तों ट्राई कर सकते हैं इस टीम को। बाकी हम मिचेल मार्श, सूर्य कुमार यादव एंड रोटेशन दोस्तों आप कैप्टन वाइस के अपने कॉम्बिनेशन खुद का भी कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की बहुत कम लोग रखेंगे जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा फॉर्म यहाँ पे आ सकता है सूर्य कुमार यादव के द्वारा। मिचेल मार्श टीम में रहेंगे, मानस लबुचाने को हम यहाँ पे रख सकते हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या ये फिर तीनों प्लेयर हमें इंपोर्टेंट देना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और यहाँ पे नथन लिलिस, ये बैलेंसड टीम और रिस्की टीम भी दोस्तों रहने वाली है। एंड उसके बाद दोस्तों लास्ट और 5 टीम जो कि हमारी रहेगी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये दोस्तों मैं कब कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ तो इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पे हम दोस्तों भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर और टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा फिर। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, रविंद्र जडेजा, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप जो है आपके जगह पर यहाँ पे मिचेल मार्श की जगह पर दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर से आप कैमरन ग्रीन को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे तभी दोस्तों आप विन करेंगे क्योंकि सभी दोस्तों एक वन साइडेड टीम तो बना करके जाने वाले, मिचेल मार्श सभी की टीम रहने वाले दोस्तों, दो टीम बना दे तो मेरे हिसाब से एक टीम से आप
सेवन को ड्रॉप भी कर सकते जब आपको लगे इंडिया टीम मैच को विन करेगी। देखिए जो पांच टीम थी इनको आपको टेलीग्राम चैनल पर ही कंफर्म करना पड़ेगा टॉस के बाद, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि फिलहाल मैं टीम किस हिसाब से बैटिंग करती कौन सी टीम बैटिंग करती उसके अकॉर्डिंग में चूज करूंगा। ठीक है, बाकी आपने प्लेयर स्टेट रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड देख ही लिया तो उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों आप जा सकते हैं। ठीक है, होप गाइस वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए अंतर छोड़ में जय हिंद जय भारत।